Hey guys, yes we are live now. This is Surfe and welcome to my YouTube channel. एक बार आप लोग कमेंट करके बताना आवाज़ सुन पा रहे हो या नहीं. थोड़ा सा एक बार सेटअप अपना ठीक कर लें ताकि फुल स्क्रीन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा. चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं. मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं कमेंट करके बताओगे जल्दी फटाक से. वेरी लॉन्ग टाइम वी वेट ऑन यूट्यूब चैनल फॉर लाइव. यस यस बहुत दिनों बाद, क्योंकि एक्चुअली क्या है थोड़ा सा मौसम भी साथ नहीं दे रहा है. आप जानते हो कि बारिश के मौसम में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होता है. वेरी गुड आफ्टरनून, हाँ गुड इवनिंग. चलिए ठीक है ठीक है, सब लोग आ जाओ जल्दी फटाक से. और कोशिश ये करिए कि आप लोग इसको शेयर करिए, शेयर करिएगा ज़्यादा बेहतर होगा. आप लोग इसको शेयर कर दो भाई, इसको आप शेयर कर दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा. बस 3 ही पर्सन है. यस बहुत दिन बाद लाइव हुआ है ना. बिल्कुल बिल्कुल वो तो है. एक बार आप लोग शेयर कर दो ताकि सब लोग आ जाएं, मैं भी इसमें देख लूँ आप लोग कितने लोग आए. सो फिर अपना सेशन स्टार्ट होगा. बहुत ही बेहतरीन सेशन है और हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, राइट. आवाज आ रही है ना, एक बार सही से आप लोग कमेंट करके बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है. उम्मीद है आवाज़ आपको आ रही होगी. 2 ही पर्सन आ गए भाई, जल्दी आइए. कहाँ चले गए सब लोग, जल्दी आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ. यस चलिए 3 ही पर्सन है. चलिए ठीक है, जितना भी है उतना ही से आप सेशन स्टार्ट कर देते हैं. क्या कर सकते हैं, टाइम जो मेरा 4 बजे है, 4 तो वैसे बज गया. चलिए कोई बात नहीं. कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. चलिए ठीक है. साउंड क्लियर है, चलिए ठीक है. चलिए ठीक है, तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं. फिर वक्त ज़्यादा नहीं बिताना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है आप जानते हो ग्रेविटेशन. और सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रेविटेशन क्या है. वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रखा, राइट ना. चलिए उसको पहले रिकॉल कर देते हैं, समझा देते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे बेस्ड 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग आसानी से करेंगे. आप लोग कॉपी पेन पास में रखना, एक बार क्लियर हो तो बताओ तो जल्दी. आप लोग रखे हो कॉपी पेन पास में होना चाहिए, आप लोग जल्दी कमेंट करो. कॉपी पेन पास में होना चाहिए, कॉपी पेन पास में है ना. चलिए ठीक है, आप मान लो कि ब्लॉक M1 है, दिख रहा है. चलिए ये बॉडी M1 और ये बॉडी मान लो M2 है. आप जानते हो कि कोई दो बॉडी है. सपोज दे आर टू बॉडीज हैविंग मास. यस हैविंग मास क्या, M1 एंड M2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r. मान लो ये दोनों का दूरी जो है मान लो r डिस्टेंस है. कितना है, कहीं कहीं आप देखोगे r के बदले d भी लिखा रहता है, r के बदले कहीं कहीं d भी लिखा रहता है. इससे टेंशन मत लेना, ये दरअसल क्या है, r है. अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये ब्लॉक या ये बॉडी जो आप देख पा रहे हो, ये बॉडी क्या है, देख लो. ये बॉडी क्या है, देखो. ये बॉडी क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी ओर फोर्स लगाएगा और ये बॉडी क्या होगा, अपनी ओर फोर्स लगाएगा, राइट. ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को खींचेगा, समझ रहे ना बात. अब आपको जानना क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आखिर कौन कौन बात पर डिपेंड करता है. आप जरा एक बात नोटिस कर रहिएगा कि मैं ये इसके सेंटर से और इसके सेंटर को मीट करा रहा हूं. मतलब यह कि कोई भी दो बॉडी जो होता है आप इस इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में कहीं भी रख दो कोई भी दो बॉडी को, तो वो क्या करेगा, दोनों अपने एक दूसरे को सेंटर की ओर अटैक करेगा. इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जानते हैं. दूसरी बात, आप एक बात तो नोटिस कर रहे होइएगा कि ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स भी कहते हैं. बस 2 ही पर्सन है भाई, क्या हुआ सब लोग. अट्रैक्टिंग फोर्स भी कहते हैं.
तीसरी बात यह है, आपको बता दूं, आप इस दो बॉडी को कहीं भी आप रख दोगे, इस दो बॉडी को आप कहीं भी रख दोगे, बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स, और पहला सेंट्रल फोर्स, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये दो बॉडी को कहीं भी रखोगे, उस दोनों में क्या है, एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दो बॉडी को चाहे आप वाटर में रखो या स्पेस में ले जाओ या किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, वहां पे ये दोनों में क्या फोर्स लगेगा, आप कमेंट करके बताना क्या फोर्स लगेगा, जल्दी बताना क्या फोर्स लगेगा, यस और नो। इस दो बॉडी को मैं कहीं भी ले जाऊं, कहीं भी रख दूं, इस दोनों में फोर्स लगेगा या नहीं, जल्दी कमेंट करके बता दो, यस और नो। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स है, आप टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल्स ही मेन होता है, न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स से मैं क्वेश्चन में ये ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, जल्दी बता दो फ्रॉग से। बिल्कुल फोर्स लगेगा, मतलब क्या होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, राइट ना, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ये बॉडी को आप किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरी, और उसके बाद नंबर क्या है, फोर्थ नंबर, कि ये दोनों फोर्स जो होता है दरअसल वैलिड है पॉइंट मास के लिए, हम लोगों ने पढ़ा था वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, मतलब यह आपको मैं बता दूंगा, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। पॉइंट करने का क्या मतलब, मान लो कि एक हम है, मैं एक बॉडी हूं, एक दूसरा बॉडी है यहां सामने में, हम दोनों में फोर्स लगेगा, तो हम लोग क्या है, पॉइंट मास है। और ये पॉइंट मास इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन बिल्कुल चिपक नहीं जाएगा। चिपक जाएगा बताओ आप, क्या चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा, इसलिए नहीं चिपकेगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उस दो बॉडी में जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और वो फोर्स बहुत कम होने के कारण क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। तो अट्रैक्ट वहां पे करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फोर्स खींचेगा, हमको लगेगा कि हाँ यहां पे दो बॉडी में फोर्स लग रहा है, यहां पे दो बॉडी में फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो मून है, अर्थ है, अर्थ और मून के बीच फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब कैसे समझेंगे, क्योंकि ये दोनों बॉडी का क्या होता है, मास ज्यादा होता है, अर्थ का ही मास ज्यादा होता है और मून का ही मास ज्यादा होता है, जी का वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी कम करता है। बिल्कुल आप जानते हो, अभी हम लोग देखेंगे, तो ये जानते हो, ये सिग्निफिकेंस है किसके लिए, हेवी बॉडी के लिए, ये सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस फॉर हेवी बॉडी, ये किसके लिए सिग्निफिकेंस है, हेवी बॉडी के लिए। अब जरा देखो, इस दोनों में जो फोर्स लगेगा, हम लोगों ने एक्सप्रेशन टू एम टू बाई आर स्क्वायर ये पढ़ा था, और आप जानते हो कि जी जो है क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आप जानते हो ना कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताओ, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और यूनिट बता दो आप लोग, यूनिट बताइए जल्दी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखिएगा। और मैं बताना यह चाहूंगा, ये जी का वैल्यू क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या सब जगह अप्लाई होगा, ये सर नो। महाजी का वैल्यू जो आप देख रहे हो सब जगह का मतलब हुआ क्या, अर्थ पर भी, मून पर भी, जुपिटर पे भी, मतलब कहीं भी किसी भी मीडियम में सगुस्तारम, हेलो हेलो। चलिए ठीक है, आप लोग आए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप बताओ, दैट इज अप्लाई एवरीवेयर, सब जगह अप्लाई होगा, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि आप पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में क्या होगा, ये अप्लाई होगा, है ना, अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बेशक। चलिए अब आपको ये बात समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि यहां पे फोर्स जो देख पा रहे हो मास पर भी डिपेंड करेगा,
ऑप्शन एक नंबर ऑप्शन है, आप बताओगे क्या ये डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी ए पर, ऑप्शन टू मास ऑफ बॉडी बी पर, फिर उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन देम और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। आप बताओ ये हमने जो लिखा है कि कोई दो बॉडी है ए और बी, आप मुझे बताओ उस दो ए और बी बॉडी में फोर्स जो होगा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन हेयर है, मास ऑफ बॉडी ए पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ बॉडी बी पे, बताओ किस पे, ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव पर डिपेंड करेगा, सिंपली एक बॉडी पर नहीं डिपेंड करेगा, सिंपली बी पर नहीं डिपेंड करेगा, सिंपली उसके डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करेगा, मतलब डिपेंड करेगा क्या ए पर भी डिपेंड करेगा, बी पर भी डिपेंड करेगा और उस दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल राजेश कुमार, ऑल ऑफ द एबव। कैसे ऑल ऑफ द एबव है, सुन लो, M1 का एक का मास बढ़ाओगे, एक का मास घटाओगे, फोर्स आपका चेंज होगा, या दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आप विजय कुमार सिंह ऑल ऑफ द एबव, वेरी गुड, शाबाश। सब पर डिपेंड करेगा, अकेला तनहा किसी बॉडी पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, तीन बात पे डिपेंड करता है, M1 पर भी डिपेंड करेगा, M2 पर भी डिपेंड करेगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। सपोज आप देख सकते हो, अगर मान लो कि M1 का मास रहने दो, M2 का मास का डबल करोगे, फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा, बेशक होगा। अगर मान लो कि डिस्टेंस को हाफ करोगे तब भी फोर्स चेंज होगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मान लो कोई दो बॉडी है वो M1 और M2 है, और मान लो कि डिस्टेंस को हम हाफ कर रहे हैं तो मेरे को फोर्स कितना होगा, कमेंट करके बताओगे, बिल्कुल चेंज होगा। अब बताओ मुझे, दो बॉडी है M1 और M2, ठीक है, अब उसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कितना होगा। दो बॉडी है जिसके बीच का मास M1 और M2 है, मतलब मास M1 M2 है और उसके बीच के फोर्स को फोर टाइम्स इंक्रीज करेगा, शाबाश, फोर टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैंने क्या कहा, हाफ का है ना, अगर यही मैं कहता कि दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, अगर दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हम डबल कर दे रहे हैं तो फोर्स क्या होगा हमारा, दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स, जल्दी बताइए। अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत जल्दी, टेंशन ना लो, 1/4 डिक्रीज हो जाएगा तब, वेरी गुड, शाबाश। जब डिस्टेंस को आप डबल करोगे फोर्स घटेगा, जब डिस्टेंस को हाफ करोगे फोर्स फोर टाइम्स इंक्रीज कर देगा। मतलब यह क्या होता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, राइट ना। दूसरी बात क्या होता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, देख सकते हो यही मतलब हुआ। ये हम लोग अभी यहां पे इसलिए लिखा क्योंकि आपको मैंने ऐसा इसका वीडियो बनाया चुका है, आप वहां जाकर आप देख सकते हो, बखूबी अच्छे अंदाज में समझ लोगे कि कोई दो बॉडी है उसमें फोर्स कैसे लगेगा, किन बात पर डिपेंड करेगा। अब चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, राइट, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग पहले देख लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, महाजी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देने वाले हैं और आप लोग आंसर बताना, पहले आप लोग कॉपी पेन पास में रखिएगा फिर आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 100 kg एंड 100 kg आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे दो तीन क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझा दूंगा। चलिए इसका आंसर आप लोग करिएगा,
दो बॉडी जिसका मास 10 kg 100 kg है और दोनों को के बीच का डिस्टेंस 2 meter है, तो मेरे को मालूम कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, जल्दी बताओगे? वैसे एक क्वेश्चन बता दें, सुन लीजिए, M1 आपका 10 kg है, यहां लिख दो M1 10 kg, M2 आपका कितना हो गया 100 kg, और R हो गया कितना 2 meter, मेरे को फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल हम लोगों ने पढ़ा था ना महाजी, तो महाजी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10^-11 इंटू M1 इंटू M2, M1 कितना 10, M2 कितना है 100 बाई R स्क्वायर, R कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे क्या होगा, आप देखो इसे सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, 6.67 को आप रहने दो और जा देख सकते हैं 100 है और 10 है, तो 100 इंटू 10 क्या होगा 10^3 और 10^3 और -11 कितना हो जाएगा 10^3 और -11, बिल्कुल सही है। 100 इंटू 10 10^3 इंटू -11 आपका हो जाएगा 10^-8 बाई 2 का स्क्वायर 4। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा देख लो, यहां पर ले रहा हूं 4 × 4 1.26, 4×6 = 24, 2×7 = 24, 1.66 इंटू 10^-8 न्यूटन, और आपका ये आंसर होगा। क्या आंसर आया आप लोग कमेंट करके बताओगे, आप लोग का आंसर क्या आया, आंसर आना चाहिए 1.66 इंटू 10^-8 न्यूटन, आया या नहीं आया जल्दी बता दो, जल्दी बताइएगा क्या आंसर आया, एक बार कमेंट करके बताओ, ये सुनो इतना ही आंसर आया ना 1.66 इंटू 10^-8 न्यूटन, बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए, आया है सर, चलिए ठीक है बहुत खूब आ गया, वेरी गुड बहुत खूब अस्फियर हमारे, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लो कि दो बॉडी है M1 M2 और M1 और M2 अब कहां पे है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मान लो M1 यहां है और मान लो M2 आपका यहां पे है, एक बात बोल रहा हूं ठीक है, और उस दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका दे रहा है मान लो 0, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 0 दे रहा है, तो आपको पता लगाना है कि ये दोनों बॉडी में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा। ऑप्शन में दे रहा हूं 1 है ऑप्शन, ऑप्शन 2 ऑप्शन ए मान लो, और ऑप्शन बी आपका 0, ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी है इन्फिनिटी। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के सेशन का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बेहद शानदार क्वेश्चन। आप बताओगे द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडीज 0, देन व्हाट इज द डिस्टेंसेस बिटवीन द बॉडीज M1 एंड M2, मतलब M1 और M2 के बीच फोर्स 0 लग रहा है, फोर्स कितना 0 लग रहा है, तो आपको पता लगाना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कमेंट करके जल्दी बता दो 0, और लोग भी बता दीजिए, और लोग भी जल्दी बता दो कितना होगा दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दे। राजेश कुमार बी, मतलब अभी तक मोस्टली बच्चे का ऑप्शन आ रहा है बी, एक बार ट्राई करिए। विजय कुमार सिंह 0, नहीं बाबू देखो बता रहे हैं बिल्कुल नहीं, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब कैसे देखिए, फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ना, जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा है, और दोनों बॉडी के बीच का फोर्स क्या हमारा 0, ठीक है देखिए कैसे आ रहा है, देख सकते हैं 0 इक्वल महाजी M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है हमें यहां पे जी का तो वैल्यू मालूम है, M1 M2 का मास नहीं मालूम है, तो रहने दो M1 M2 और जी का भी वैल्यू रहने दीजिए। अब देखिएगा यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा महाजी इंटू M1 इंटू M2 बाई 0, क्या ऐसा होगा आप लोग कमेंट करके बताना, क्या मैं यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं आर स्क्वायर इसके बदले में यहां पे आ गया और 0 इसके नीचे आ गया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एक बार कमेंट करके बता दो, क्या मैं आर स्क्वायर को जी इंटू M1 M2 बाई 0 लिख सकता हूं या नहीं, ये सर नो
जल्दी बताओ यस और नो, आर स्क्वायर इक्वल महाजी इंटू एम वन एम टू बाई जीरो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या हुआ जी, लिख सकते हैं ना? हाँ, जब लिख सकते हैं तो आप मुझे बताओ, आप बचपन में पढ़े होइएगा किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर क्या आता है, आपने पढ़ा था कभी? देखिए वन बाई जीरो, सॉरी अभी रुके, जीरो बाई वन आपने पढ़ा है, क्या होता है जीरो बाई वन? जीरो को वन से डिवाइड करेंगे मेरे को जीरो आएगा, लेकिन याद रखिएगा वन बाई जीरो जो होगा इंफिनिटी होगा, याद रखेंगे वन बाई जीरो इंफिनिटी, जीरो बाई वन जीरो, लेकिन वन बाई जीरो इंफिनिटी। तो आप देखो जी इंटू एम वन एम टू कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, कॉन्स्टेंट है, तो किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? नॉट डिफाइन, मतलब क्या? इंफिनिटी, इसको बोलते हैं इंफिनिटी, याद रखिएगा। तो कोई भी दो बॉडी के बीच अगर फोर्स लग रहा है जीरो, इसका मतलब समझ लेना कि वो दोनों बॉडी कहां रखा हुआ है, दोनों इन्फिनिटी पर रख रहा है, एक यहां रखा हुआ है तो एक इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। बातें समझ में आई या नहीं? बिल्कुल इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, बातें समझ में आई या नहीं? अगर मान लो कोई दो बॉडी के बीच फोर्स जीरो लग रहा है और पूछा जा रहा है कि वो दोनों बॉडी का डिस्टेंसेस कितना है, कितना दूरी पर रखे हैं, तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए कहां रखे दोनों बॉडी को, एक बॉडी को यहां रख रहा है तो दूसरी बॉडी को इन्फिनिटी रख रहा है, मतलब दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है? और ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वैसे है तो इजी क्वेश्चन, फिर इसके बाद एक शानदार क्वेश्चन देंगे, और कोशिश करिए समझने का, बात फॉर्मूला आप जान रहे हो तो फिर बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल बउआ वाला बात। क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अ 10 केजी बॉय एंड 60 केजी गर्ल, मतलब गर्ल का वेट मास ज्यादा है, 60 केजी गर्ल हु आर 3 मीटर अपार्ट। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यहां पे क्या गड़ा है, क्या हुआ जी? 4 पर्सन आ गए, सब लोग गायब हो गया। अच्छा, बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं इसलिए बच्चों को कुछ को मालूम नहीं है, बात यही है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर करिएगा। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अ 10 केजी बॉय एंड 60 केजी गर्ल हु आर 3 मीटर अपार्ट, मतलब 10 केजी और 60 केजी का दो पर्सन है, 10 केजी का बॉय 60 केजी का गर्ल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहां पे कितना, देख सकते हो डिस्टेंस है 3 मीटर, तो आपको पता लगाना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। जल्दी बताइएगा, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूं, आप लोग जब तक आंसर करो, कॉपी में बनाइए उसके बाद आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं वक्त दे रहा हूं, आप लोग पहले खुद से बनाओ, पहले आप लोग खुद से बनाइए। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक दे रहे हैं आप लोग बनाइए जल्दी। आप लोग जल्दी बनाइएगा जब तक मैं लिख रहा हूं। आराम से आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा समझ के बनाए तो ज्यादा बेहतर है।
चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या आंसर आपका आया एक बार फिर से कमेंट करोगे? शायद आपने आंसर भी क्या होगा तो मैंने नहीं देखा होगा, आप लोग आंसर करिए जल्दी, क्या आंसर आया, बनेगा या नहीं? नहीं बने वो भी बता दो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत वैसे बहुत ईजी है बाबू क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अ 10 kg बॉय एंड 60 kg गर्ल? मतलब मेरे को क्या है, M1 हो गया आपका 10 kg और M2 क्या है 60 kg, और डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है 3 meter। हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए। अगर 4.42 × 10⁻¹⁹ क्या बात है, थोड़ा सा आप लोग गलती किए हुईगा आप। अच्छा आप 70 लिख लिए है, और चलिए ठीक है 70, चलिए 70 पे आप लोगों का आंसर क्या है 4.0, बिल्कुल सही है, सही आंसर है, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका हम आंसर कर देते हैं, फोर्स मेरे को मालूम करना है तो 6.67 × 10⁻¹⁹, बिल्कुल अश्वरबनी और प्राची बिल्कुल बहुत था करेक्ट, बस आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, कुछ बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं। M1 आपका 10 है, M2 आपका 70 है, और बाई आर स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब देखिएगा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं कैसे, आप इसको क्या लिख सकते हो, काटने वाला हो काट दीजिए आसान हो जाए, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 20, राइट। फिर उसके बाद देख लीजिएगा ये 3 से अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 × 6 = 6, 3 × 6 = 6, अप्रोक्स में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आया मेरे को क्या 2.22 × 10⁻¹⁹ और इंटू इसको क्या लिख दोगे 7 × 14, देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 हो गया, 1010 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसा लिखो 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 8, फिर 14 × 28 = 3, 30.08 × 10⁻¹⁹. मेरे को तो ये आ रहा बाबू 30.08 × 10⁻¹⁹ आ रहा है, आप लोग देखिए तो जरा इतना आया कि नहीं, 7 × 14 बिल्कुल इतना आना चाहिए, 30.08 × 10⁻¹⁹ क्या इतना आया है, इतना आना चाहिए 30.08 × 10⁻¹⁹। थोड़ा सा आप लोगों ने मिस्टेक कहीं किया है कि क्या इसको 10 आपने लिया है, इसको 10 लिया है क्या, अगर 10 पर बना लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। वैसे ये 70 kg था, आप लोगों ने शायद आंसर आप 10 kg बोला है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r इज F, हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आप वो 10 kg में बनाया, 10 kg बनाया ठीक है, एक्चुअली भी 70 kg था और 60 kg था, बॉय का मास ज्यादा गर्ल का मास कम था, है ना, ऐसे भी ऑब्वियसली होता ही है, कुछ बॉय का मास ज्यादा होता है गर्ल्स का मास कम ही होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में देखा जाता है, एक्सेप्शनल केस में देखा जाता है, खैर चलिए कोई बात नहीं है। मैं यहां पे क्वेश्चन की बात हूं, ये देखिए बहुत ही शानदार जानदार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है VVI, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, इफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r इज F, मा F, देन द फोर्स F' बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस r+d। मतलब यह कि दो बॉडी के बीच का फोर्स आपका F है जब डिस्टेंस उसके बीच का r। अब क्वेश्चन नेक्स्ट का कहा जा रहा है उसी में कि आपको मालूम करना है फोर्स F' कब, जब उस दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस r+d हो जाता है, पहले r था डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है r+d हो जाता है, तो जब वही दो बॉडी का जब डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या होगा, मतलब मेरे को F' मालूम करना है। चलिए एक बार ट्राई करिए फिर उसके बाद देखते हैं, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए पहले, बहुत ईजी है, एक बार ट्राई करो,
और नहीं होगा तो वो भी बता दीजिए, बता दूंगा मैं, दिक्कत नहीं है। वैसे थोड़ा सा आप कंफ्यूज करोगे, चलिए मैं बता रहा हूं, देखेंगे। आप पे जरा गौर फरमाओ, एक बॉडी ये है M1, एक बॉडी ये है M2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, महार। तो आप समझ सकते हो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, महाजी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई डिस्टेंस आर का स्क्वायर, इतना होगा ना। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि दो बॉडी का मास एम वन एम टू है, डिस्टेंस आर है, तो फोर्स एफ लग रहा है, तो फोर्स एफ लगेगा तो मेरे को फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, महाजी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर आएगा, राइट। अब क्या कह रहा है कि दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस आर प्लस डी हो जाता है, मतलब यहां मैं लिख दे रहा हूं, यस हाँ बिल्कुल। अब जरा देखिए, एक बॉडी यहां पे है M1, अब ये डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं तो ये बॉडी M2, अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, R प्लस डी। अब बताइए जब इसके बीच का डिस्टेंस R प्लस डी हो जाएगा तो आपका इसमें फोर्स क्या कर रहा है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फोर्स कर रहा है F डैश, तो हमारा यहां पे F डैश क्या होगा, महाजी इंटू M1 इंटू M2, M1 into M2 by R square, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R plus D का होल स्क्वायर। आप मान लो इसको इक्वेशन वन और इसको मान लो इक्वेशन टू, मेरे को क्या चीज का वैल्यू फाइंड करना है, F F डैश मालूम करना है, क्या मालूम करना है आपको, F डैश मालूम करना है। चलिए अब बताइएगा F डैश आपका क्या होगा, तो आप सुन लो इक्वेशन वन जी, बिल्कुल ये तो होगा, ये तो नहीं, ऐसा नहीं बाबू, आपको इससे भी रिलेशन लेना है। अब क्या करो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन वन क्या है, एफ बाय इक्वेशन टू एफ डैश इक्वल क्या लिखेंगे, जी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर बाई क्या होगा, जी एम वन एम टू बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बताइए ऐसा होगा कि नहीं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, ऐसा लिखेंगे ना, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर रहा है, नहीं समझ बात आ रही है क्या, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर रहा है, क्लियर है बातें, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर रहे हैं। अब जा देखिए, तो आपका इसमें क्या कैंसिल होगा, मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं, ठीक है, यहां देखिएगा, तो आपका आएगा f बाई एफ डैश डैट इक्वल जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, इंटू आपका हो जाएगा r प्लस डी होल स्क्वायर बाई जी इंटू एम वन एम टू, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बेशक होगा ना। अब देखिए आपका g से g कैंसिल हो गया, m1 से m1, m2 से m2, तो मेरे को आया क्या, f by f dash equal r plus d का whole square by r square, लेकिन मेरे को तो f dash का वैल्यू चाहिए, तो f dash को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे f dash equal क्या होगा, f r square by r plus d का whole square, और यही आंसर हुआ, f dash का वैल्यू क्या आ जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर, नहीं बातें समझ में आई क्या। अरे क्वेश्चन कह रहा था कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस और r इज f, देन द फोर्स f डैश बिटवीन देम एट डिस्टेंस r प्लस डी इज, तो आपका आंसर आया क्या, f इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। एक बार कमेंट करके बता दो बातें समझ में आई या नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, इक्वेशन वन और इक्वेशन को डिवाइड करिए और उसके बाद एफ डैश का वैल्यू फाइंड करो। मैं बस आपको एक मिनट टाइम दे रहा हूं, एक मिनट टाइम दे रहा हूं, आप दोनों को डिवाइड करके निकाल लो ना एफ डैश का वैल्यू, एक बार सॉल्व तो करिए, एक बार ट्राई करिए, आपको आ जाएगा एफ डैश का वैल्यू, आ जाएगा क्या, एफ आर स्क्वायर बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आया कि नहीं आया, एफ आर स्क्वायर बाई R प्लस डी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। एक बार कमेंट करके बताओ बातें समझ में आई या नहीं। अच्छा कुछ बच्चे एक दिन हमको बोल रहे थे कि सर दो आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों को एक जगह बिल्कुल रखे हुए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस सॉरी रेडियस R है, तो आपको पता लगाना है कि फोर्स क्या होगा, कुछ बच्चे कह रहे थे कुछ ऐसा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को भी मैं अभी डील कर देता हूं। फिलहाल अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए,
एक बार समझ में बात आई या नहीं आई आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जल्दी बता दो, जब तक मैं यहां पे कुछ उस क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख रहा हूं, जब तक आप इसको देखिए कैसे मैंने सॉल्यूशन किया है, मैंने कैसे सॉल्यूशन किया है उसको आप देखिए। जब तक मैं यहां पे बिल्कुल, हाँ वो वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको उस क्वेश्चन को फिर से रिकॉल करा दूं। और जो भी बच्चे नए आए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक जरूर करिए यार, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भूला मत, क्योंकि आप लोग, क्योंकि भूलना जो होता है ना इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और खासकर आदत भी है भूलना, इसलिए भूल जाओगे मुझे मालूम है, लेकिन भूलिएगा नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, दो आइडेंटिकल बॉडी है, दो आइडेंटिकल, गौर फरमाएंगे, दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉडी है, दोनों को हम बिल्कुल एक साथ सटा कर रख दिए हुए, ठीक है, टू स्फेरिकल आइडेंटिकल बॉडी है, टू स्फेरिकल आइडेंटिकल बॉडी है विच आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ऐसा ही ना मैंने कुछ कहा था, विच आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बना हुआ है, और रेडियस दोनों का क्या है, रेडियस आर है, इसका भी आर है और इसका भी रेडियस आर है, और आप बताओगे दो, तो हमको पता लगाना है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, क्वेश्चन आपका यही है ना, एक बार देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अभी देने वाला हूं, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ क्वेश्चन, आप ये वाला देखा ना आपने, इसको क्यों, इसको मेरे को इरेज करना होगा, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ, इसको मैं इरेज कर दूं, सब लोगों ने समझा, और इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, मैंने वैसे वीडियो बनाया है लेकिन कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है इसको इरेज करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिलहाल, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जहां पे दो बॉडी का, हां सुनिएगा, जहां पे दो बॉडी का मास हमें दे रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है, वहां पे ऐसा भी कर सकता है कि सेम मास है तो अलग चीज है, लेकिन जब ये कहेगा कि सेम मटेरियल का बना हुआ है तो थोड़ा सा मामला वहां पे गड़बड़ हो जाता है, जब सेम मटेरियल की बात होती है तो वहां पे डेंसिटी भी आ जाता है, मास सेम होगा बेशक लेकिन डेंसिटी भी आ जाएगा, और हम लोग जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं दो बॉडी के बीच फोर्स क्या पढ़े हैं, महाजी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं ना, मास और हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो आप मुझे एक बार बताओ, आप जो क्वेश्चन देख रहे हो और इसका ऑप्शन है आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है वन बाई आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आर फोर, और फोर्थ ऑप्शन है वन बाई आर फोर, और आंसर क्या आया था आपको याद है, एक बार कमेंट करके बताओ, तो जिसने भी वीडियो देखा होगा आपको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या है, एक बार कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या है, या आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आर टू दी पावर फोर, बिल्कुल सही है इसका आंसर आर टू दी पावर फोर होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन को देखोगे तो मन में रिएक्शन क्या होगा कि सर इसका आंसर होना चाहिए वन बाई आर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है, या मन में यह भी आपको आएगा कि आर इसको आर आर टू आर टू मतलब वन बाई फोर, वन बाई आर फोर, यह भी आपको मन में ख्याल आएगा, तो यह भी आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि सेम मटेरियल का बना हुआ है मतलब डेंसिटी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो डेंसिटी मतलब यहां पे रो मान लेते, इसको रो कहते हैं बुआ, क्या कहते हैं, रो, डेंसिटी का सिंबल है, तो इसका भी डेंसिटी रो होगा क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है, और आप बचपन में पढ़े थे डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो आप मान लो इस बॉडी के लिए मास मान लो एम है तो ये भी एम ही होगा बिल्कुल, तो डेंसिटी हम लोग पढ़े थे मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी यहां पे रो है, मास हमको चाहिए, अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम बिल्कुल डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब, याद रखिएगा, तो यहां पे हो गया क्या 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब, अब हमें यहां पे मास चाहिए, बताइए तो इस मास का वैल्यू हमारा क्या होगा,
लिख सकते हैं m इक्वल रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होगा कि नहीं होगा? रो, हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मास हमारा यहां पे होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहां पे मास मेरे को आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताना ये चाह रहे हैं कि इस मास जो मेरे को आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप समझ सकते हो कि ये भी बॉडी का मास वही होगा, ये भी बॉडी का मास वही होगा, होगा ना? तो जब m1 हमारा इतना है तो जाहिर सी बात है m2 भी इतना होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, फोर्स इक्वल महाजी इंटू m1, तो m1 हमारा क्या है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और मुझे बताओ m2 भी तो वही है ना, m2 भी कितना होगा, सेम होगा, तो हम क्यों ना यहां पे स्क्वायर कर दें, सॉरी g का नहीं ना, g का स्क्वायर नहीं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं होगा, एक बार कमेंट करियो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मास तो m है, सेम है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बाई डिस्टेंस कितना इसके बीच का, तो देखिए 2r, तो 2r का स्क्वायर होगा ना, चलिए ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस 2r है, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको आंसर ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन हमारा क्या है, गौर करो। महाजी इंटू रो, रो का स्क्वायर क्या होगा, रो स्क्वायर यहां पे होगा, 4/3 पाई का स्क्वायर, 4/3 पाई का स्क्वायर क्या होगा 16/9 पाई स्क्वायर, और आर क्यू का स्क्वायर क्या होगा आर का पावर 6, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखिएगा, बाई क्या होगा 4r स्क्वायर। अब मुझे आप बताओगे यहां पे r स्क्वायर है, यहां पे r का पावर 6 है, तो कट के कितना हो जाएगा r का पावर 4। अब जरा सोच सकते हो आप, g इंटू रो का स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर बाई क्या होगा 9 × 36, नीचे आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा तो 9 × 36। अब मुझे बताओ यहां पर ये टर्म जो आप देख पा रहे हो इंटू r स्क्वायर भी है, आप देख पा रहे हो ये हमारा इतना टर्म g इंटू रो स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर बाई 36 इंटू बच गया r का पावर 4। अब जा देखो g इंटू रो स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर बाई 36, ये हमारा यहां पे टर्म क्या है, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट वाला जो टर्म आप देख रहे हो इस ऑप्शन में, देखो आप ऑप्शन में क्या इसमें कहीं पे कांस्टेंट है, बताओ कमेंट करके, क्या आपके ऑप्शन में, ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म है, जल्दी बताओ कमेंट कर यस और नो, आपके ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, जल्दी बताइए कांस्टेंट टर्म है या नहीं, नो सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप किस पर देखोगे, आर पर ही ना देखोगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस हमारा यहां पर क्या आर का पावर 4। कांस्टेंट मतलब नहीं समझ आ रहा, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, जैसे देखो जी का मान, जी है तो जी का मान होता है ना 6.67 इंटू 10^-11, रो है तो रो का भी कुछ वैल्यू होगा 16 इंटू पाई का वैल्यू भी जानते हो, तो कांस्टेंट का मतलब हुआ क्या, हाँ कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई नंबर होगा ना उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, तो यहां पर जो भी वैल्यू डालोगे यहां पे नंबर आएगा, और नंबर आया इसलिए मैंने इसको कह दिया क्या कांस्टेंट, तो हमको यहां पे कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है तो कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करेंगे, तो बच हमारा क्या गया आर टू दी पावर 4। सो आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज आर टू दी पावर 4, नहीं बस यहां पे हमें कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट का मतलब है कोई नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉट एवर जो भी नंबर है ना वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म ऑप्शन में देखिए कहीं पे कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो मतलब हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब फिलहाल यहां पे नहीं है, तो फोर्स यहां पे किस पे डिपेंड किया आर पे, और वो कैसा हुआ आर टू दी पावर 4, समझ गया, वेरी गुड, चलो बहुत खूब, तो उम्मीद है बातें क्लियर है। अब बताओगे किसी को यहां पे कुछ दिक्कत है तो आप जल्दी बता दो, आप जल्दी बताओ किसी को किसी तरह का दिक्कत, यस और नो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन दो या नहीं, यस और नो, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं,
ये सर कमेंट करके बताओ। बस लास्ट क्वेश्चन, आप लोग पढ़ना चाहोगे या बस यहीं पे एंड कर दें? क्लियर है ना? एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन है बस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी कमेंट करो सर दीजिए। यस सर, चलो ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन जब तक इसको पहले इरेज कर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये दो तीन क्वेश्चन इसमें जो दिए हैं, बिल्कुल शुरू वाला तो हलवा वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग वाला अप्लाई करने वाला था, दो क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप वीडियो को देखिएगा पॉज करके, और समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या कहा और क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, दैट इज ऑल राइट। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बस एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जब शानदार क्वेश्चन हो तो शानदार क्वेश्चन का मजा लेना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, टू पर्संस हैविंग मास, हैविंग मास 50 kg each आर स्टैंडिंग सच दैट, आर स्टैंडिंग सच दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर वन मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ईच। क्वेश्चन समझ में आ रही है? एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा फिर बनाने की कोशिश करिएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, टू पर्सन हैविंग मासेस M1 50 kg ईच, दो पर्सन है जो दोनों पर्सन का मास क्या है, 50 kg दोनों का है, सेम मास है, मतलब 50 kg का एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा अभी बॉडी क्या है 50 kg का है। आर स्टैंडिंग सच दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर 1 meter अपार्ट, दोनों बीच के सेंटर का ग्रेविटी क्या है, सेंटर का दूरी 1 meter है। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इच केस, मतलब क्या कर रहा है कि सेकेंड वाला जो है ना टर्म वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है वो तो आप आसानी से बना लोगे, और चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, सेकेंड क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, M1 M2 दोनों के बीच का दूरी कितना है 1 meter, मतलब क्या हुआ, ये 50 kg का ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये भी 50 kg का बॉडी है, और दोनों के बीच का सेंटर का दूरी क्या है 1 meter है। तो मेरे को पता लगाना है कि दोनों के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा। बना पाओगे या नहीं? यस सर नो, जल्दी बताओ, सेकंड मैं बताऊंगा भाई, आप इसको बनाइए, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइए सर, बना रहे हैं, चलिए ओके ओके, चलिए ठीक है, वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जल्दी बनाइए, वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, वेट कर रहा हूं। 1.67 × 10⁻⁷ N स्फीयर ऑफ मनी, शाबाश, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल सही है, 1.67 × 10⁻⁷, क्या बोले, 1.67 × 10⁻⁷ N, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए 1.67 × 10⁻⁷ N। ये लास्ट क्वेश्चन बाबू, इसके बाद मैं विदा हो जाऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, ओके। चलिए पहले आंसर करिए सब लोग, जिसका आंसर नहीं आया आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है, फोर्स इक्वल महाजी, तो महाजी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹ⁱ, और आप देख पा रहे हो, बिल्कुल आ गया सर, शाबाश, बहुत खूब। और आप देख सकते हैं M1 मेरे को 50 है,
एम टू भी 50 है बाई आर स्क्वायर, यहां पे 1 का स्क्वायर। अब बताओ इसको तो सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लियो तो आपको क्या आया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। आपको आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। क्लियर आया ना सबको? अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एंड हाँ ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ईच केस। आप मुझे बताओ कोई भी दो बॉडी जो सरफेस पर रखा हुआ है उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? भाई अर्थ ही ना खींचेगा। अरे पूरा अर्थ पे हम लोग हैं, अर्थ पे है ना, और अर्थ पे वो दोनों बॉडी जो रखा हुआ है दोनों का मास क्या है? सेम है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थ जो है दोनों को कैसे अपने सेंटर की ओर खींचेगा? समझ रहे क्वेश्चन? दोनों को कैसे सेंटर की ओर खींचेगा? मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप देखो यह अर्थ है, अर्थ और यहां पे सरफेस पे रखा हुआ है 50 केजी का कोई बालक, ठीक है, तो इसको कहां खींचेगा? सेंटर की ओर। सेंटर ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? फिर देख लो एक और बॉडी है तो इसको भी कहां खींचेगा? सेंटर की ओर। तो आपको पता लगाना है, आपको पता लगाना है यहां पर, बताओ कि यहां पर खींचेगा तो कितना से खींचेगा फोर्स। तो आपको सुन लो, पहले 50 की एक बॉडी पर पहले निकालो फिर दूसरे बॉडी पर निकालोगे, तो इस बॉडी को अर्थ कितने फोर्स से खींचेगा वो निकालना है, और फिर ये इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर खींचेगा वो निकालना है। मतलब दोनों निकालना है, बिल्कुल। अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस यूज करेंगे, तो अर्थ का मास होता है बुआ हमेशा याद रखिएगा 6 × 10^24 kg, और अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10^6 meter। अब जरा देखो M1 हो गया आपका 50 केजी, M2 क्या हुआ? M2 आपका अर्थ का मास होगा, और देखो ये दूरी क्या है, आप देख लीजिए ये दूरी क्या है। हां बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम मास और रेडियस का यूज करेंगे। और बताओ ये दूरी क्या है? ये आपका रेडियस है, और रेडियस कितना होता है? 6.4 × 10^6 meter। आपको फोर्स मालूम करना है, नहीं मालूम हो जाएगा? बचपन में पढ़े थे ना महाजी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वाड, आर 6.4, बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए तो महाजी होता है 6.67 × 10^-11, और एम वन कितना है? एम वन आपका 50, और एम टू कितना है? अर्थ का मास 6 × 10^24 बाई आर कितना? 6.4 × 10^6 square। अब इसी को सॉल्व करोगे आप तो फोर्स मालूम हो जाएगा। अब फिर इस पे निकालना है, तो बताओ इस पर कितना होगा? इस बॉडी 50 केजी को अर्थ अपने सेंटर की ओर जो खींचेगा कितना फोर्स से खींचेगा? कितना फोर्स से खींचेगा बता दो जल्दी, इस पे तो आप मालूम कर लोगे, चलो आप सॉल्व कर लेना। इस पे बताओ इस पर कितना फोर्स से खींचेगा वो, अट्रैक्ट कितने फोर्स से करेगा? क्या हुआ जी, अलग फोर्स होगा या सेम फोर्स होगा? आपको बताना है सेम फोर्स से खींचेगा या डिफरेंट फोर्स से खींचेगा। मतलब यह कि इस बॉडी को जो फोर्स से खींचेगा वो वैल्यू, और इस बॉडी को जो फोर्स से खींचेगा वो वैल्यू, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। बिल्कुल सही है, दोनों में जो फोर्स लगेगा अर्थ खींचेगा दोनों को, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से। बिल्कुल सही बात है, सेम फोर्स से। बातें समझ में आई या नहीं आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक। नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करके बता दो, हाँ वही आएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, जल्दी से कमेंट करो यार, जल्दी से कमेंट करो, बताओ क्या क्या बोल रहे हो, समझ में आ गया? इसको जो फोर्स लगाएगा वही सेम फोर्स इसको लगाएगा, यस सर, 0.48 × 10^3 newton, क्या बात है, एग्जैक्टली आंसर आएगा आपको, सही है इसका रबानी, 0.48 × 10^3 newton, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 0.48 × 10^3 newton से।
अच्छा ठीक है, उसका वीडियो बन जाएगा, उसका वीडियो मैं बना दूंगा कि कौन कौन सिलेबस से आपके टॉपिक को रिमूव किया गया, डिलीट किया गया है। वैसे मैंने क्लास टेंथ का मैथ्स और साइंस का वीडियो बना दिया है, और आपको मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना तो दिया हुआ है कि क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा पूरा, तो फुल डिटेल में एकदम बिल्कुल, जो हर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है वो तो नहीं बता पाऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन हाँ कुछ मोटा मोटी जो बातें हैं, मतलब समझ रहे हो ना, देहाती भाषा में बोल दिया मैंने मोटा मोटे तो कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नाइन्थ का वीडियो मैं कल बना दूंगा, ठीक है, या कोशिश करूंगा आज नाइट में बना दे, अगर लाइट रहा तो नाइट में ही बन जाएगा, कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे फिलहाल अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे मास रखा हुआ, तो ये M1 हो गया, अर्थ का मास M2 हो गया, और अर्थ का रेडियस जानते हो, याद रखिएगा, याद रखिएगा, अर्थ का मास होता है 6 × 10^24 kg और अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10^6 meter। और इस तरीके से आज का सेशन आपका यहीं पे मैं खत्म करता हूं, उम्मीद है बातें आपको क्लियर हुआ होगा, क्या कहते हो? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर अभी चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, दिल को अच्छा लगेगा, तन को सुथरा, मन को पूरा, ठीक है, चलिए ओके बाय। और इसका आंसर मैंने बोल दिया 0.48 × 10^3, जिसको नहीं आया आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल।